अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज फिलहाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और यार फाइनली मैं सामान डॉट पीके की सेल की वीडियो बना पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सुबह से लाइट नहीं है और मुझे अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं, बिलाल भाई इंटरनेशनल कंटेंट और पाकिस्तानी कंटेंट में फ़र्क बहुत होता है। भाई फ़र्क इसलिए होता है कि हमें पसीने में वीडियोज़ बनानी पड़ती है, लेकिन डोंट वरी, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि सामान डॉट पीके की सेल से पहले मैं वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि सेल के अंदर कौन से प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम वही करने वाले हैं। हैविंग सेड दैट, मैं यहाँ पर यह चीज़ भी क्लियर कर दूँ कि जनरली जो सेल्स होती हैं उनमें ऐसे प्रोडक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है जो कि नॉर्मली बिकते नहीं हैं, लेकिन इस सेल के अंदर आप खुद ही देख लेंगे कि वो प्रोडक्ट्स हमने इंक्लूड किए हैं जो कि हमारे हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप वेबसाइट को ओपन करके भी देखते हैं तो वहाँ पर भी जो हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उन्हीं प्रोडक्ट्स को हमने इस सेल में इंक्लूड किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस सेल से फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा मैं यहाँ पर यह चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा कि इस सेल के अंदर हमारे पास जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और काफ़ी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि मुझे लगता है कि पहले दिन ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगी। तो अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है, अगर आप उसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो ज़रा जल्दी कर लीजिएगा, और बाद में कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी होगी। हैविंग सेड दैट, जो पहली प्रोडक्ट मैं इस लिस्ट के ऊपर इंक्लूड करने वाला हूँ, ये मेरे हिसाब से इस लिस्ट की सबसे ज़्यादा बेहतरीन प्रोडक्ट भी होने वाली है, और ये है रियलमी बैंड। रियलमी बैंड इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अगर आप 3 से 4 हज़ार की रेंज में कोई भी फिटनेस ट्रैकर खरीदना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से रियलमी बैंड जो है वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाली है। उसकी रीज़न ये है कि ये रियलमी कंपनी की तरफ से आती है जो कि एक ऑफिशियल ब्रांड है। मैं इसके ऊपर पूरी वीडियो बना चुका हूँ। ये एक मुकम्मल फिटनेस ट्रैकर है, यहाँ पर आपको एक काफ़ी खूबसूरत किस्म का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, ये आपके डिवाइस के साथ कनेक्ट भी हो जाता है, और मोर इम्पॉर्टेंटली इसको चार्ज करने के लिए आपको किसी सेपरेट केबल की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रियलमी बैंड के अंदर आपको जो चार्जर है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, और आप सिंपली इसकी जो साइड है उसको रिमूव करेंगे और यहाँ पर आपको यूएसबी पोर्ट मिल जाती है, आप डायरेक्टली इसको प्लग इन करेंगे और ये चार्जिंग स्टार्ट कर देता है। इसकी अगर आप ऑफिशियल प्राइस टैग की बात करते हैं तो इसका ऑफिशियल प्राइस टैग 4,000 रुपया है। आप इसे पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी बाय करें, लेकिन फॉर द सेल इसकी जो प्राइस टैग है वो कम होकर 3,399 हो गई है, जो कि 3,400 बन जाती है। मैं यहाँ पर ये इंक्लूड करना चाहूँगा कि इसकी जो प्राइस टैग है वो इसकी होलसेल प्राइस के काफ़ी ज़्यादा करीब है, जिसका मतलब ये है कि ये जो सेल है ये ज़्यादा टाइम तक हम लगा नहीं सकेंगे, क्योंकि फिर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह आ जाते हैं। फीचर्स की अगर आप बात करते हैं तो ये वाटरप्रूफ है, केबल फ्री चार्जिंग है, रियल टाइम हार्ट मॉनिटरिंग है, और अगर आप इसके मुकम्मल फीचर्स जानना चाहते हैं तो इसकी वीडियो मैंने पहले से बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने इसके मुकम्मल फीचर्स को डिस्कस किया है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। ओवरऑल अगर आपको एक सस्ता बैंड चाहिए जो कि आपको एक्चुअल क्वालिटी प्रोवाइड करे और जिसमें आपको वारंटी भी मिले और जिसमें आप ये कह सकें कि वो एक अच्छे ब्रांड का है, तो रियलमी बैंड जो है वो इस टाइम पाकिस्तान में सबसे अच्छी ऑप्शन है जिसको आप परचेस कर सकते हैं। अगली प्रोडक्ट जो इस वीडियो में शामिल करने वाला हूँ, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसने, मैं ये कहूँगा कि मैं मोबाइल फ़ोन के रिव्यूज़ करता था लेकिन मुझे एक्सेसरीज और खास तौर पर यूनिक एक्सेसरीज की तरफ काफ़ी ज़्यादा मोड़ा, और उसके बाद ही हम चैनल के ऊपर काफ़ी यूनिक एक्सेसरीज लेकर आने लग गए, और ये है एक ग्रीन लेज़र पॉइंटर। अगेन इस प्रोडक्ट के ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। जब ये लॉन्च हुई थी तो आई थिंक इसका जो प्राइस टैग था वो अराउंड 1300 था, उसके बाद इसका प्राइस टैग कम होकर अराउंड 1000 हो गया। सेल में इसकी जो प्राइस टैग है वो 100 रुपये के डिफरेंस से आ रही है, तो ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये प्राइस टैग पहले ही काफ़ी कम था, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है अपने प्राइस के हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म की प्रोडक्ट है। इसके फ्रंट साइड पर आपको एक रोटेटिंग बॉल सा देखने को मिल जाता है, जिसको जब आप रोटेट करते हैं तो आपको जो डिफरेंट डिज़ाइंस हैं वो देखने को मिलते हैं, ये लेज़र के डिज़ाइंस हैं, और जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये ओपन और क्लोज होते हैं, और इसकी जो रेंज है वो अराउंड 1 मील से ज़्यादा है, और कुछ केसेस में ये 4 मील तक का भी डिस्टेंस देती है, डिपेंडिंग अपॉन के एटमोसफेयर कैसा है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये इतनी ज़्यादा पावरफुल लेज़र है कि कुछ केसेस के अंदर अगर गुब्बारों पर डायरेक्ट मारी जाए तो गुब्बारे वगैरह भी फट जाते हैं। मैंने इसके ऊपर भी एक मुकम्मल वीडियो बनाई है, आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और मैं इसके बारे में सिर्फ एक वार्निंग देना चाहूँगा कि अगर आप इसका ये फ्रंट वाला बॉल रिमूव करके अपनी स्किन की तरफ करेंगे तो आपको बाकायदा तौर पर हीट फील होती है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा पावरफुल लेज़र है, तो किसी की आँखों वगैरह में मत मारिएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अगर आप गलत इस्तेमाल करें तो वो नुकसान दे सकती हैं, तो प्लीज़ डोंट डू दैट। इसके अलावा ये रिचार्जेबल है तो आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं, इसके साथ एक चार्जर और बैटरी आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाती है, और मोर इंपॉर्टेंटली इसके अंदर बैक साइड पर आपको जो ऑन ऑफ स्विच है वो भी देखने को मिल जाता है, तो अगर आप इसको लॉक करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ताकि बच्चे वगैरह जो हैं वो इसका इस्तेमाल ना करें। प्रोडक्ट जो कि जिसके ऊपर मैं शामिल करने वाला हूँ, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि घर में मैं खुद भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मैंने जब ये प्रोडक्ट बेस्ट टैग में इंक्लूड की थी तो मुझे ये प्रोडक्ट उस टाइम भी काफ़ी मज़ेदार लगी थी। और ये जो है ये बेसिकली एक इंडक्शन फॉर्मिंग सोप डिस्पेंसर है। इंडक्शन का मतलब ये है कि ये
आपके सेंसर के थ्रू काम करेगा, जिस तरह आपके मोबाइल में आपके कान को डिटेक्ट करने वाला सेंसर होता है, तो एग्जैक्टली वही प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है इसके अंदर भी लगाया गया है, जो कि आपके हाथ को डिटेक्ट करता है। और इसमें आपको कोई बटन वगैरह प्रेस नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली जैसे ही आप इसके नीचे हाथ करते हैं जो लिक्विड हैंड वॉश है उसका फॉर्म बनाकर छोड़ देता है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें आप जब लिक्विड हैंड वॉश डालेंगे तो उसके साथ आप वाटर डालते हैं, जिसकी वजह से आपको हैंड वॉश बाहर नहीं मिलता बल्कि उसका एक्चुअल फॉर्म मिलता है। तो उसको आप बड़े आराम से हाथों पर मलेंगे और आपका जो हैंड वॉश का प्रोसीजर है वो काफ़ी सिंपल हो जाता है। और मोर इम्पॉर्टेंटली ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट भी है, तो जनरली जब हम हैंड वॉश यूज़ करते हैं तो हमारा जो एक बार हम प्रेस करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा वो ज़ाया हो जाता है, तो इस केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ हैंड वॉश पर काम नहीं कर रहा। अगेन ये एक ऐसी कन्वीनियंट प्रोडक्ट है जो कि मेरे हिसाब से हर घर में एटलीस्ट वॉशरूम्स में ज़रूरी है, और ये काफ़ी ज़्यादा क्लीन भी है क्योंकि इसको आपको बार बार हाथ नहीं लगाना पड़ेगा तो जर्म्स कम फैलेंगे। इसको चलाने के लिए आप सेल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर डायरेक्ट पावर की भी जो इनपुट है वो अवेलेबल है। ये बेस्ट टेक के अंदर मैंने रिसेंटली इंक्लूड की थी और इसका जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी कमाल आया था। इसके अगर आप प्राइस टैग की बात करते हैं तो ये 3300 में था, इसका अब जो प्राइस टैग है वो 2999 कर दिया गया है, और उस प्राइस टैग के हिसाब से आई थिंक दिस इज वन ऑफ दी बेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि आप अपने घर वालों के लिए ले सकते हैं। अगली प्रोडक्ट जो इस लिस्ट के ऊपर मैं शामिल करने वाला हूँ, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि मेरे हिसाब से इस लिस्ट की सबसे सस्ती और सबसे सिंपल प्रोडक्ट होने वाली है, लेकिन इस प्रोडक्ट का जो काम है वो काफ़ी अच्छा है और मेरे हिसाब से हर एक बंदे के लिए ज़रूरी है। ये बेसिकली एक सिक्योरिटी क्रेडिट कार्ड वॉलेट है और ये एल्यूमिनियम बेस्ड वॉलेट है। इस तरह की एक प्रोडक्ट हमने पहले भी यहाँ पर शो की थी। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस वन, यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो ऊपर और नीचे वाली साइड से एल्यूमिनियम की गई है, जबकि इंटरनली ये प्लास्टिक का बना हुआ है। और जब आप इसको ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें मल्टीपल कंपार्टमेंट्स रखे गए हैं जिसमें आप अपने क्रेडिट कार्ड्स, अपना कैश वगैरह रख सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि क्योंकि ये बाहर से एल्यूमिनियम का बना हुआ है, तो अगर आप कोई RFID कार्ड रख रहे हैं इसके अंदर, लेट से आपके होटल का कार्ड है, कुछ बैंक्स RFID कार्ड्स प्रोवाइड करते हैं, तो कोई भी बंदा उन RFID कार्ड्स को हैक नहीं कर सकता, जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि जनरली ऐसी डिवाइसेज आती हैं जो आपके वॉलेट के ऊपर लगाकर आपके RFID कार्ड्स को कॉपी कर सकती हैं। तो एक तो इसकी सिक्योरिटी वाली साइड से बहुत अच्छा हो जाता है, दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो है इसके ऊपर वाली साइड पर वैसा ही डिज़ाइन बनाया गया है जिस तरह सूट केसेस पे होता है, और ये डिज़ाइन खास तौर पर इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर इसके ऊपर लोड पड़े तो ये आराम से टूटे नहीं। और यही वजह है कि अगर आप इसको जेब वगैरह में डाल के चलते हैं तो ये एक नॉर्मल वॉलेट की निस्बत काफ़ी ज़्यादा रगेड होने वाला है, और आपके जो क्रेडिट कार्ड वगैरह हैं वो फोल्ड नहीं होंगे। नॉर्मली जब आप अपने वॉलेट को बैग पॉकेट में रखते हैं तो क्रेडिट कार्ड वगैरह फोल्ड हो रहे होते हैं, लेकिन ये काफ़ी स्लीक सा डिज़ाइन प्रोवाइड करता है, आप कैश वगैरह भी रख सकते हैं और सारी जो चीज़ें हैं जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने आ जाती हैं, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ता। अगेन काफ़ी सिंपल प्रोडक्ट है। और अगर आप इसके प्राइस टैग की बात करते हैं तो इसका प्राइस टैग 299 था, इसका प्राइस टैग 199 कर दिया गया है फॉर द सेल। अब इसका प्राइस टैग पहले ही काफ़ी कम था लेकिन इसके ऊपर और डिस्काउंट है, तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप लोग एक वॉलेट ढूंढ रहे थे आप इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। सो अगली प्रोडक्ट जो है जिसके ऊपर मैं शामिल करने वाला हूँ, अगेन ये हमारी इस वेबसाइट की अब तक सेल होने वाली, लाइक जब से ये वेबसाइट बनी है तब से सेल होने वाली सबसे हाईएस्ट वाली एक प्रोडक्ट है, और इसका नाम है रियलमी बर्ड्स एयर नियो। अब टू बी ऑनेस्ट, मैं इसके यूजेज का और इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आपको यहाँ से दे सकता हूँ कि डेली बेसिस के ऊपर जो ईयरबड्स मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ वो भी रियलमी के यही ईयरबड्स नियो हैं, तो बेसिकली ये वो प्रोडक्ट है जो कि मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने डेली लाइफ में। हैविंग सेड दैट, इनकी जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है वो ये है कि जिस प्राइस टैग में ये आते हैं उस प्राइस कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर जो फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कमाल है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर जो आपको ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं वो 13 mm के ड्राइवर हैं, जिसका मतलब ये है कि ये उन कुछ ईयरफोन्स में से हैं जो कि वायरलेस भी हैं और आपको बेस भी प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा ये गूगल फास्ट पेयर के साथ आते हैं, यानी कि अगर आप इसको किसी एंड्रॉयड डिवाइस के पास जाकर ओपन करेंगे तो आपको एक बाकायदा पॉपअप विंडो आ जाती है। ब्लूटूथ 5.0 यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। दोनों ही ईयरबड्स के ऊपर आपको माइक्रोफोन जो है वो देखने को मिल जाता है, तो आपको यहाँ पर जो ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। यहाँ पर अगर आप बैटरी बैकअप की बात करते हैं तो ओवरऑल इनका जो बैटरी बैकअप है वो तकरीबन 17 घंटे के करीब है, तो आप बड़ी ही आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और 17 घंटे इसका म्यूज़िक प्लेबैक है, तो अगर आप इसके ऊपर कॉलिंग कर रहे होंगे तो 17 घंटे से ज़्यादा का जो प्लेबैक है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और फाइनली एक ऐसा फीचर जो कि इस प्राइस कैटेगरी में हमें देखने को नहीं मिलता वो है सुपर लो लेटेंसी चिप। तो बेसिकली जब भी आप कोई वायरलेस ईयरबड्स यूज़ करते हैं तो उसमें जो चिप लगी होती है, जो प्रोसेसर लगा होता है छोटा सा,
उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि वही सारे फीचर्स को इनेबल कर रहा होता है। और यहाँ पर जो R1 चिप लगी हुई है उसका फ़ायदा ये है कि ये लो लेटेंसी मोड प्रोवाइड करती है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप एक गेमर हैं तो आप लो लेटेंसी मोड को ऑन कर सकते हैं और आपने दोनों को बस प्रेस करके रखना है और लो लेटेंसी मोड ऑन हो जाएगा। और उसके बाद जब ये गेमिंग मोड में जाता है तो इसकी जो लेटेंसी है वो 50% तक कम हो जाती है, तो आपकी गेम में जब आप फायरिंग करेंगे तो आपको उसी टाइम उसका जो साउंड है वो भी आ जाएगा, जो डिले है वो आपको फेस करने में नहीं आएगा। अगर आप कॉल्स वगैरह कर रहे हैं तो आप लेटेंसी मोड को ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल केसेस के अंदर जो लेटेंसी मोड है उसको ऑन रखेंगे तो मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। प्राइस कैटेगरी की अगर आप बात करते हैं तो इसका प्राइस टैग 8,000 रुपया था पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। इस सेल के अंदर इसकी जो प्राइस टैग है वो 6,999 कर दी गई है, जिसकी वजह से इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी अच्छी हो गई है। और अगर आप एक एयरपॉड्स की अल्टरनेटिव लेना चाहते हैं जो कि एक अच्छे ब्रांड की तरफ से भी आएँ, आपको वारंटी भी प्रोवाइड करें और अच्छी क्वालिटी भी प्रोवाइड करें, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन जो कि आप खरीद सकते हैं। सबसे बड़ा डिस्काउंट जो कि इस सेल के अंदर होने वाला है वो लूका की सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर होने वाला है। तो लूका, जिनको नहीं पता, एक क्लोथिंग ब्रांड है जिसको हमने रिसेंटली एस्टैब्लिश किया था और इस टाइम उसके 3 आर्टिकल्स हैं जो कि saman.pk पे अवेलेबल हैं। तो लूका स्ट्रिप के नाम से 2 ट्रैक सूट्स हैं जिनमें से एक तो मैंने इस टाइम पहना भी हुआ है, तो एक ये ब्लू कलर का है और एक ग्रे कलर का है। इनका जो प्राइस टैग था वो 2,000 रुपया था, लेकिन फॉर द सेल इनका प्राइस टैग 999 रुपये कर दिया गया है। तो आप दोनों ट्रैक सूट में से कोई भी कलर खरीद सकते हैं और दोनों का जो प्राइस टैग है वो आपको 999 रुपये देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि लूका की अवेलेबल है वो बेसिकली लूका एल्बो टी शर्ट है, जो कि आप नॉर्मली बाय भी कर सकते हैं। और इसको लूका एल्बो इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी पूरी एल्बो के ऊपर जो लूका का ब्रांडिंग है वो की गई है, और आप इसको फोल्ड वगैरह भी कर सकते हैं। और इसका जो मटेरियल है वो समर मटेरियल है, तो आप इसको फोल्ड करके ही इस्तेमाल करेंगे और इसको बनाया भी इसी तरह ही गया है। इसके प्राइस टैग की अगर आप बात करते हैं तो वो 850 था, इस सेल के अंदर इसका प्राइस टैग जो है वो 659 कर दिया गया है। तो अगर आप शर्ट्स वगैरह लेने का सोच रहे थे, ट्रैक सूट लेने का सोच रहे थे, आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम जिसमें आप ये कर सकते हैं। अगली प्रोडक्ट जो कि इसके ऊपर मैं शामिल करने वाला हूँ, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि मेरे हिसाब से इस सारे सिनेरियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया है यहाँ पर लाइट गई हुई है और ये जो मिनी ह्यूमिडिफायर है ये आप किसी भी ऐसे टाइम में इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो। बेसिकली ये बैटरी पावर्ड है तो आप इसको कहीं पर भी कैरी अराउंड कर सकते हैं, आप इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता है। पहला तो इसका यूज़ जो है वो सिंपली एक नॉर्मल ह्यूमिडिफायर के तौर पर होगा जो कि आपकी स्क्रीन को मॉइस्चराइज करे। तो अगर आप कहीं गर्मी में हैं या आपको एक हल्की सी मिस्ट दे देता है जिसकी वजह से ज़रा आपको जो गर्मी है वो कम फील होती है। इसके अलावा ब्यूटिशियंस इसका इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर डिफरेंट जो स्पिरिट्स हैं वो डालकर भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये एज अ डिसइंफेक्टेंट भी यूज़ हो सकता है, तो अगर आप इसके अंदर कोई डेटॉल वाला पानी वगैरह डाल लेते हैं तो ये चीज़ों को डिसइंफेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और स्पेशली जब हम बात करते हैं डिसइंफेक्शन की, हम अपने हाथ को सैनिटाइज कर लेते हैं लेकिन जो हमारी चीज़ें हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स होती हैं, वो डिसइंफेक्ट नहीं होती, तो उस टाइम पर ये ऑटोमेटिक मशीन के तौर पर भी काम कर सकता है। और इसके अलावा सबसे मज़ेदार बात यह है कि आप इसके अंदर कोई भी जो सेंट है, जो खुशबू है, वो डाल सकते हैं और ये बेसिकली किसी भी चीज़ को खुशबूदार बनाने के लिए भी काम में आ सकता है। और इसके अंदर बेसिकली ऊपर वाली साइड पर एक कंपार्टमेंट है जिसमें आप पानी भी डाल सकते हैं, खुशबू भी डाल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने इसको किस काम के लिए इस्तेमाल करना है। नीचे वाली साइड पर आपको एक माइक्रो USB की पोर्ट देखने को मिल जाती है और उसके अलावा यहाँ पर ये ओपनिंग है जिसके थ्रू आप इसको ऑन या ऑफ करेंगे और यहाँ पर एक LED लाइट भी दी गई है, तो देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लुक प्रोवाइड करता है। और ओवरऑल एक काफ़ी हैंडी प्रोडक्ट है जिसको आप हर जगह कैरी अराउंड कर सकते हैं। गाड़ियों में स्पेशली अगर आपको एक ह्यूमिडिफायर चाहिए तो ये, क्योंकि बैटरी ऑपरेटेड है तो आपको इसको बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी गाड़ी वगैरह में इसको रख सकते हैं और ये काफ़ी देर तक चलता भी रहता है, तो आपको वो मसला भी नहीं आएगा। जहाँ तक बात है इसके प्राइस टैग की, तो ये पहले काफ़ी महंगा था, ये अराउंड 1500 के करीब था। सेल के अंदर इसका जो प्राइस टैग है वो 1199 कर दिया गया है, तो आपको काफी सारा डिस्काउंट भी मिल रहा है और एक काफी मजेदार प्रोडक्ट भी मिल रही है जिसको आप परचेस कर सकते हैं। अगली प्रोडक्ट जो कि लिस्ट के ऊपर मैं शामिल करने वाला हूं, ये एक स्पीकर का सेट है और बेसिकली ये एक स्टीरियो स्पीकर का सेट है। यहां पर आपको 2 स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं और ये USB बेस्ड स्पीकर्स हैं, जिसका मतलब ये है कि या तो आप इसको किसी कंप्यूटर वगैरह से लगाएंगे या फिर अगर आप इसको मोबाइल फ़ोन वगैरह के साथ लगाना चाहते हैं तो आप इसको किसी USB पावर में लगाएंगे, आप इसे किसी भी चार्जर के साथ लगा सकते हैं। ये 0.6 एम्पेयर के ऊपर काम करता है, जिसका मतलब ये है कि अगर सस्ते से सस्ता जो चार्जर आता है आप उसके ऊपर भी इसको लगाते हैं तो ये वर्क कर लेगा। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगा है, तो ये किसी भी कंप्यूटर सेटअप का हिस्सा बन सकता है। और मोर इम्पॉर्टेंटली जो दोनों स्पीकर्स हैं उनकी साउंड क्वालिटी भी प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। आपको इनलाइन कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाते हैं जिसका आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये एक 3.5 mm हेडफोन जैक के साथ चलने वाले स्पीकर्स हैं,
तो ये ऐसे ब्लूटूथ स्पीकर्स नहीं है जिनको आप कैरी अराउंड कर सकें, लेकिन अगर आपको एक ऐसे स्पीकर चाहिए जो कि आपके सेटअप के लिए हो या वायर्ड स्पीकर्स लेने की आपकी सोच थी, तो अपने प्राइस कैटेगरी के हिसाब से ये काफ़ी मज़ेदार स्पीकर्स हैं। इनका ऑफिशियल प्राइस टैग जो था वो 999 था सामान डॉट पीके के ऊपर, अभी के लिए इनका जो प्राइस टैग है वो 799 कर दिया गया है, तो आप इनको भी जाकर परचेज आउट कर सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर काफ़ी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने मेंशन नहीं की, क्योंकि वो ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं, उन पर डिस्काउंट ज़रूर अवेलेबल हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा उसमें वो प्रोडक्ट्स मौजूद भी होंगी, लेकिन क्योंकि वो प्रोडक्ट्स आप लोग जानते हैं तो मैंने उन पर टाइम ना ज़ाया करने का फैसला किया है। जो प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पर अभी आपको शो करने वाला हूँ ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं एज अ सेपरेट वीडियो बनाना चाहता था कि मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैंने सोचा इनको इसी सेल के साथ इंक्लूड कर देते हैं, और इनकी प्राइस टैग में भी मैंने थोड़ी सी कमी करवा दी ताकि सेल का जो ये पार्ट है ऑफिशियली बन सकें। पहली प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली एक मल्टी फंक्शन क्लिप है, और ये एक यूनिवर्सल क्लिप बन जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि ये किसी भी सेलफोन या किसी भी आईपैड जैसी डिवाइस के ऊपर काम कर सकता है, और आपने नॉर्मली जो मोबाइल फ़ोन होल्डर हैं वो देखे होंगे, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ये प्रोफेशनल मोबाइल फ़ोन होल्डर है। तो अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसका मोबाइल फ़ोन होल्डर हर बार टूट जाता है, या एक आप ऐसा बंदा है जिसको मोबाइल फ़ोन होल्डर अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल रहा, तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी क्वालिटी का होल्डर है, और यही वजह है कि इसका प्राइस टैग थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि डेली लाइफ में इसको इस्तेमाल करते हैं तो आप इसे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। इसके बैक साइड के ऊपर यहाँ पर मोबाइल के लिए होल्डर दिया गया है, जबकि फ्रंट साइड के ऊपर अगर आप कोई बड़ा टैबलेट है तो वो भी लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दोनों ओरिएंटेशंस के लिए होल्स दिए गए हैं, तो अगर आप वर्टिकल ओरिएंटेशन में किसी मोबाइल फ़ोन को लगाना चाहते हैं तो नीचे वाली साइड पर होल अवेलेबल है, आप इसे किसी भी ट्राईपॉड पर लगा सकते हैं, और अगर आप इसको दूसरी ओरिएंटेशन में लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास इस साइड पर भी होल अवेलेबल है, तो आप दोनों साइड्स पर जो ट्राईपॉड है वो लगा सकते हैं और इसको आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी सी महंगी हो जाती है अगर आप नॉर्मल होल्डर्स के साथ इसको कंपेयर करते हैं, क्योंकि इसका जो ऑफिशियल प्राइस टैग था वो अराउंड 1800 के करीब था, अब ये 1599 में आ रही है, लेकिन उस हिसाब से जो ये चीज़ प्रोवाइड करता है वो काफ़ी अच्छी है। नीचे ऊपर वाली साइड पर आपको फॉर्म देखने को मिल जाता है, जबकि यहाँ पर रबड़ भी लगाए गए हैं, तो आपका ओवरऑल जो मोबाइल फ़ोन या डिवाइस है अगर आप उसे डेली की बेसिस पे वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फोटोग्राफी के लिए यूज़ करते हैं तो ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी हो सकती है। और इस प्रोडक्ट के साथ एक और प्रोडक्ट भी मैंने इंक्लूड करनी थी जो कि बेसिकली एक स्टैंड है। अब ये जो स्टैंड है ये बजाते खुद एक मल्टी एक्सेसरी स्टैंड है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक ट्राईपॉड है, आप उसके ऊपर कैमरा भी लगाना चाहते हैं, आप उसके ऊपर लेट से लाइट भी लगाना चाहते हैं, और आप उसके ऊपर माइक भी लगाना चाहते हैं, तो इसके नीचे वाली साइड पर आपको एक ट्राईपॉड का होल देखने को मिल जाता है, और ऊपर वाली साइड पर आप देख सकते हैं कि आपके पास सीधा सा एक स्क्रू है जो कि किसी भी कैमरा वगैरह के ऊपर लग जाएगा, और साइड पर भी इसी तरह के स्क्रूज दिए गए हैं जो कि डिफरेंट माइक्रोफोन्स के ऊपर लग सकते हैं। तो आप इस एक एक्सेसरी के थ्रू अपना पूरा सेटअप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आप इसको किसी स्टेशनरी ट्राईपॉड पर भी लगा सकते हैं, और आप इसको किसी गोरिल्ला पॉड के ऊपर लगाकर मूवमेंट भी ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप इसी की बात करते हैं तो ये भी इसके ऊपर बड़ी आराम से लग जाएगा, और अगर आप मल्टीपल डिवाइसेस को एट अ सिंगल टाइम रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके प्राइस टैग की अगर आप बात करते हैं तो इसका जो प्राइस टैग था वो तकरीबन 900 के करीब था, अब इसका जो प्राइस टैग है वो 759 हो गया है। तो दोनों प्रोडक्ट जो हैं इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फाइनली जो प्रोडक्ट मैं यहाँ पर इंक्लूड करने वाला हूँ ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि लास्ट मिनट मैंने इंक्लूड करने का फैसला किया है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की प्रोडक्ट है। ये रियलमी का पावर बैंक है, और ये 10,000 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है, लेकिन इसकी खासियत ये नहीं है कि ये रियलमी का पावर बैंक है, और इसकी खासियत ये भी नहीं है कि ये 10,000 mAh है। इसकी खासियत जो है वो इसके बैक साइड पर मेंशन की गई है। पहली चीज़ तो ये है कि ये 18 वाट की क्विक चार्जिंग प्रोवाइड करता है, तो आप इसके थ्रू मोबाइल फ़ोन्स को भी चार्ज कर सकते हैं, और कुछ छोटे लैपटॉप्स जो कि टाइप सी से चार्ज होते हैं आप वो भी इसके थ्रू चार्ज कर सकते हैं, और ये इनपुट आउटपुट करता है टाइप सी के थ्रू, जिसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको ओपन करूँ तो इसकी जो टाइप सी की पोर्ट है आप उसके थ्रू किसी डिवाइस को भी चार्ज कर सकते हैं, और जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसी के अंदर चार्जर लगाकर इस पावर बैंक को भी चार्ज कर सकते हैं। और इसकी जो लुक है वो बहुत ज़्यादा डिसेंट है और काफ़ी आइकॉनिक लुक है, ये येलो कलर में आता है। यहाँ पर आपको दोनों जो पोर्ट्स हैं वो फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करती हैं, और टाइप सी की पोर्ट दी गई है तो लेटेस्ट जो सेलफोन्स हैं ये उनको भी सपोर्ट करता है, और यहाँ पर USB पावर डिलीवरी की ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो अगर आपके पास आईफोन है और आईफोन को आप चार्ज करना चाहते हैं तो ये उसको भी फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कर देगा, और ये दोनों के ऊपर बाकायदा तौर पर चार्जिंग फास्ट कर सकता है, तो दोनों पोर्ट्स एट अ सिंगल टाइम फास्ट चार्जिंग दे सकती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है वो ये है कि ये पावर बैंक बजाते खुद भी फास्ट चार्ज होता है,
और ये 12 महीने की वारंटी के साथ भी आता है। तो अगर कुछ टाइम बाद ये पावर बैंक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता, आप वारंटी का जो क्लेम है वो भी कर सकते हैं। और अगर आप एक अच्छे पावर बैंक की तलाश में थे जो कि आपको अच्छी स्पीड भी प्रोवाइड करे और ओवरऑल रिलायबल भी हो, क्योंकि ये मसला होता है कि आप लो पावर बैंक जब अपने सेलफोन से लगाते हैं तो उसका ख़राब होने का खतरा होता है, तो आप रियलमी के इस पावर बैंक की तरफ जा सकते हैं। आई होप आपको आज की जो वीडियो पसंद आई होगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सारे जो लिंक्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है और कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो कि मुझे इस वीडियो में और इंक्लूड करनी चाहिए थी। इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, पसीने से हालत ख़राब हो रही है। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।